सहना वो सहनौ भुन तो सह वीर गर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्तु शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें सत्ताइसवा सूक्त पढ़ रहे हैं बहुत ही अविरल यह जान प्रवाह कल्याणी वेदवाणी का रससवादन हम सब कर रहे हैं मिलकर के और यह स्वाध्याय वास्तव में हमारे जीवन के सभी जो अवगुण हैं जो दुर्गुण हैं जो हमारे अंदर की न्यूनताएं हैं उन न्यूनताओं को दूर करने का उनको भस्मीभूत करने का बहुत बड़ा उपाय है इसलिए इस उपाय को हम सदा सर्वदा सर्वत्र आत्मसात करके जीवन का हर विधि कल्याण कर सकें परम पिता परमेश्वर की महती अनुकंपा हम सबके ऊपर है क्योंकि हम इस वेद विद्या को समझने का सुनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं बिना पुरुषार्थ के तो संसार में कुछ भी हो नहीं सकता है कारण हमको जुटाना पड़ेगा कार्य की सिद्धि के लिए कार्य की सिद्धि तभी होती है जब हम हर प्रकार से किसी कार्य को पूरा करने के लिए कारण जुटाते हैं तो हमारा जीवन उत्तम हो और हर प्रकार से उत्थान की ओर विकास की ओर हम आगे बढ़ें विनाश की ओर नहीं हमारा हर क्षण संस्कारित कार्य होना चाहिए संस्कारित स्वभाव होना चाहिए कुछ संस्कार उच्छृंखलता हमारे स्वभाव के अंग ना हो हमारे स्वभाव में दिव्यता हो हमारे स्वभाव में भविता हो ऐसा उपाय करना चाहिए मूल अर्थ काम, धर्म, अर्थ, काम और, भी है। और इनके लिए हमको शरीर धन और जो धन वित्त के रूप में हम प्रयोग करते हैं उस धन की भी हम चर्चा कर लें परंतु सबसे पहला धन तो हमारा शरीर है और शरीर का सदुपयोग करना शरीर का दूसरों की सेवा में परोपकार में इसको लगाना अति उत्तम है इसी से इसकी सार्थकता है इसी में इसका सदुपयोग है ऐसे ही संसार का जो हम धन इकट्ठा करते हैं उस धन का वास्तव में क्या सदुपयोग है क्या उसका कल्याण के कार्य में उपयोग हो सकता है उसके विषय में बहुत सुंदर यह मंत्र है और आज जो संसार केवल धन की ही लगन में धन की ही धुन में जो लगा रहता है और संसार का कर्तव्य भूल जाता है उन्नति का पथ वह भूल जाता है और उस पथ का राही बन जाता है जिस पथ में सुख नहीं है जिस पथ में आनंद नहीं है जिस पथ में केवल क्षणिक सुख है और दुख अपार है कंटक अपार है फूल कम है तो ऐसे हम पथ का ऐसे अध्यात्म रूपी राज पथ का राजमार्ग का जब हमको आलंबन मिल रहा है परमात्मा हमको ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है तो हम उस पथ के राही क्यों बने जिस पथ में अधर्म अन्याय जिस पथ में लोभ है काम क्रोध है जिस पथ में संकीर्णताएं हैं उस पथ का हम क्यों आलंबन लें हमको सुपथ से चलना चाहिए और ऐसा धन कमाना चाहिए जो संसार के और इस जीवन के उन्नति के लिए हो तो वेद मंत्र बहुत सुंदर है मैं पहले इसको लिखता हूँ ओम यो राजभ्यः अरितनिभ्यो यो राजभ्यः यो राजभ्यः अरितनिभ्यो

परित निभ्यो ददास इयम् वर्धयति यम, यम वर्धयन्ति वर्ध वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः पुष्टयश्च नित्याः सा वान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदेशु प्रशस्त दूसरे मंडल के सताईसवें सूक्त का यह बारवा मंत्र है ओम यो राजभ्य ऋतनिभ्यो ददाशय वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः सारे प्रथमो रथेन वसुदावा विदथेषु प्रशस्तः ॐ यो राजभ्यारितनिभ्यो ददाशयं वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः सारेवान्याति प्रथमो रथेन विदथेषु प्रशस्तः यो राजभ्यः ऋतनिभ्यो ददाशयं वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्याः सा रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदथेषु प्रशस्ता बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का कहा विशेष रूप से तीन बातों पर यहाँ ध्यान दिलाया है पहली बात यह जो रेवान धनवान पुरुष राजभ्य राजाओं के लिए ददाश कर के रूप में धन देता है दूसरा जो ऋत निभ्या रित के नेताओं के लिए युवकों को सन्मार्ग पर ले चलने वाले उपाध्यायों के आचार्यों के लिए इस प्रकार का ऋत यज्ञ लोकहित के कर्मों को करने वालों के लिए धन का दान देता है धन के प्रयोग क्या क्या हैं और किस किस प्रयोग से उत्तमता हमको मिलती है धन प्रयोग में वो यहाँ पर चर्चा है कि राष्ट्र के हित में समाज के हित में अपने पुरुषार्थ से जो हमने कमाया है उसको कर के रूप में टैक्स के रूप में इस राज व्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्र व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए जो हम अपना कुछ अंश देते हैं एक यह हो गया दूसरा अपने ही उन्नति के लिए ही हम आगे न बढ़ते रहें अपितु समाज राष्ट्र की उन्नति में जो अपना सहयोग प्रदान करते हैं ऐसे धीर गंभीर विद्वानों की उन्नति में हमको सहयोग करना चाहिए तथा जो इस संसार में अपने पुरुषार्थ से कुछ करना चाहते हैं राष्ट्र को नई दिशा देना चाहते हैं उन युवकों को युवाओं को युवतियों को और आचार्यों को उपाध्यायों को या राष्ट्रहित में राष्ट्र कल्याण में जो कर्म या कार्य या अनुष्ठान चल रहे होते हैं आरोग्य की दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से व्यवस्था की दृष्टि से सामाजिक सुदृढ़ता की दृष्टि से एकता की दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से जो भी कार्य चल रहे हों उनमें भी अपने कमाई का अंश प्रदान करना अर्थात उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना दान देना दूसरी गति हो गई तीसरी गति क्या है कि यम जिसको नित्या जो स्थिर पुष्टया पोषक पदार्थ वर्धयंती बढ़ाते हैं अर्थात जो धनों का विनियोग जीवन के पोषक तत्वों को प्राप्त कराने के लिए करता है अर्थात जो विलास में धनों का अपव्यय नहीं करता अपितु सह देवान वह धनी प्रथमा सबसे आगे रथे याति रथ के रथ से चलता है अर्थात इस धनी को जन समूह में सम्मान प्राप्त होता है यह वसुधावा धनों का देने वाला होता है विद थे सुव है यज्ञों में प्रशंसनीय होता है यज्ञ स्थलों में एकत्रित होने वाले इसकी प्रशंसनीय शब्दों से चर्चा करते हैं इसलिए यहाँ पर हमें धन जो है धन हमें धन्य बनाता है ऐसा धन जो हमारे जीवन को धन्य कर दे वास्तव में वही धन है नहीं तो निधन तो सबका एक दिन होना ही होना है हम धन पाकर के धन्य हो जाएं जिस कुल वंश में जिस माता पिता गुरु आचार्य ने हमको शिक्षा दीक्षा दी है उसको भी हम धन्य करें अपने जीवन को भी धन्य करें इसलिए धन हमें धन्य बनाता है यदि हम इसका उचित कर राजकोष में देते हैं लोक हित में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को हमें जो है इसको प्राप्त कराए हम इसे तथा जीवन के पोषक तत्वों को प्राप्त कर करने में इसका व्यय करें विलासिता में नहीं तीसरी जो बात कही है उसमें हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जो दान देते हैं लेकिन जीवन के जो पोषक तत्व है उनकी वृद्धि के लिए धन का जो है खर्च करें धन का अपव्यय करें अनावश्यक कार्यों में इसका व्यय ना करें उन्हीं कार्यों में जिससे हमारे जीवन और इस जगत का पोषण होता है उसमें खर्च करें उसमें व्यय करें तभी जाकर के जीवन का सुंदरतम स्वरूप हम दे पाते हैं और जगत का भी सुंदरतम स्वरूप हम बना पाते हैं हमें उत्तम तत्वों से युक्त तो होना चाहिए क्योंकि बिना धन के हमारा कार्य चल नहीं सकता लेकिन धन का भी यदि हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो यह धन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा बहुत ही सुंदर बातें कही हैं शास्त्रों में अलग अलग नीति ग्रंथों में कि जो है धन वास्तव में बहुत ही उत्तम हमारे लिए है और धन के बिना सारा कार्य रह जाता है धन का उत्तम प्रयोग हम करें उत्तमोत्तम साधनों से धन का अर्जन करें अर्थात करें क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन जो चार जो हमको पुरुषार्थ चतुष्टय बताए हैं उनमें धर्म पूर्वक अर्थ कमाना तो इसलिए कहा है कि सुखस्य मूलम धर्म धर्म से मूलम धनम अर्थः धर्म से मूलम अर्थ अर्थस्य मूलम राज्यम तो ये जो एक श्रृंखला एक क्रम है इस क्रम को हम बना के रखें इसी से कल्याण होगा धर्म हमारा तभी सुदृढ़ रहेगा तभी हम धर्म का सुख पा सकेंगे जब हम अर्थ कमाएं अर्थ के बिना सारा काम व्यर्थ है सब अर्थहीन हो जाता है इसलिए अर्थ हमारे लिए व्यर्थ ना हो हम अर्थ का सदुपयोग करें अर्थ परमार्थ के लिए हो अर्थ इस संसार के सेवा के लिए हो केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए इसलिए यहाँ कहा है कि अर्थेभ्यो ही विनष्टेभ्य संवृत्तेभ्य ततः तथा क्रिया सर्वाह प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्या इवा बगा वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक है और कहा कि इधर उधर बटोरे गए बड़े हुए धन से सारी क्रियाओं कर्मों का उद्गम होता है जैसे कि पर्वतों से नदियाँ आती हैं और वह बहुत ही पराक्रमी बुद्धिमान है भाग्यवान है और महागुणी है जिसके पास धन है यर्थस यस्यार्थस्य च बुद्धिमान यस्यार्थस्य स महाभागो यहां स और आगे बात कही है अर्थेन ही विमुक्तस्य पुरुषस्य से अल्पतेजसा विच्छिदे क्रिया सर्वा कुसरितो यथा धन से रहित क्षीण प्रभाव वाले पुरुष के सभी काम उसी तरह सूख जाते हैं विफल हो जाते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी नदियाँ बरसात में तो सब नदी नाले भरे होते हैं लेकिन जब मई जून होता है उस समय नदियाँ जहाँ जलाशय और छोटी नदियाँ होती हैं जल जहाँ पर कम होता है वो पहले सूख जाते हैं और उनमें फिर कोई जीव जंतु जलीय या बाहर जो थलचर वो भी उसका आश्रय नहीं ले पाते हैं वो किसी का सहयोग नहीं कर सकती इस प्रकार से जो धनहीन व्यक्ति है वो अपना भी कार्य नहीं कर सकता है और दूसरों का भी कार्य नहीं साध सकता है यदि हम इस धन का जैसा यहाँ इस वेद मंत्र में संकेत किया है कि हम कम से कम जो है राजा को जो दें और विद्वानों को दें अपने आत्मोन्नति के उन्नति के लिए लगाएं धन को परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे यह धन नष्ट हो जाता है और हमको भी नष्ट कर देता है इसका बहुत सुंदर जो है उदाहरण दिया है पंचतंत्र में कहा कि दातव्य भोक्तव्यम दातव्यम भोक्तव्यम धन विशेष संचयो न कर्तव्य पश्येह नाम संचितम अर्थम हरन्तने कहा कि दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य पश्येह नाम संचितम अर्थम हरन्त्यन्ने बहुत सुंदर बात कही है कि दान देना चाहिए या उस धन का उपयोग करना चाहिए धन का संचय नहीं करना चाहिए कुछ लोग केवल धन संचय में लगे रहते हैं और वो न राज कर देते हैं अर्थात न ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और न उसका सदुपयोग करते हैं लोक कल्याण में न अपने कल्याण के लिए केवल वो ऐसे स्वभाव में होते हैं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए एक कहावत है लोक आभाड़क है तो ये जो स्वभाव है ये कल्याणकारी नहीं है कहा कि देखो यहां मधुमक्खियों के द्वारा संचित चीज को दूसरे लोग ले जाते हैं अर्थात मधुमक्खी तो केवल संचय करती रहती करती रहती लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाती है वो और फल उसका क्या होता है दूसरे ही ले जाते हैं इस प्रकार से धन का सदुपयोग करें अपने जीवन और इस जगत के निर्माण के लिए सेवा के लिए नहीं तो उसका दुरुपयोग लोग करेंगे करेंगे और वो काम में हमारे आने वाला नहीं है धन का संचय अधिक नहीं करना चाहिए करें लेकिन लोक कल्याण के लिए करें और बहुत सुंदर बात कही है नीतिशतक में कि दानम भोगो ना स्रोगत योगी वित्त यो न ददाति न भूंगते तस्य तृतीया गतिर्भवती बहुत सुंदर बात कही है कि धन की तीन गतियाँ हैं परिणतियां हैं दान भोग और नाश जो लोग इसका धन का दान नहीं करते राष्ट्र के कल्याण के लिए अपने कल्याण के लिए जो इसका दान नहीं करते तथा भोग नहीं करते स्वयं सुख सुविधाओं में या अपनी उन्नति के लिए जिस धन का प्रयोग करना चाहिए था उसका जो प्रयोग नहीं करते उसका तीसरा जो सोपान है तीसरी जो कड़ी है तीसरी जो परिणति है जो नाश की परिणति है निसंदेह है वह तीसरी गति को प्राप्त होता है इसलिए धन वास्तव में उसी के लिए कल्याणकारी है जो अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण चाहता है और हर प्रकार से धन का सदुपयोग करना जानता है जो धन का लोभी हो जाता है वो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है और वह दूसरों की हानि करता है अपनी स्वयं भी हानि कर बैठता है इसलिए जैसे धन दूसरों के लिए काम आता है अपने लिए भी काम आता है लेकिन जो धन का लोभी हो जाता है उसको कोई भी सगा संबंधी यदि धन के लोभ में या धन की प्राप्ति में उसका बाधक बनता है तो उसको वह कभी भी मार सकता है उसकी हत्या कर सकता है धन का लोभ अत्यंत निकृष्ट है धन का लोभ व्यक्ति को पापी बना देता है धन का लोभ व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देता है धन का लोभ अपने माता पिता भाई भाई बंधु और अपने ही सगे संबंधियों से हिंसा करवाता है इसलिए यहाँ कहा है नीतिशास्त्र में तुराणाम न ना गुरु न बंधु धन के लोभियों का ना कोई गुरु है ना कोई बंधु है अर्थात धन व्यक्ति को निधन की ओर ले जाता है व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है इसलिए धनहीन व्यक्ति भी ठीक नहीं है और अधिक धन का लोभ जो करता है उसको ठीक नहीं है फिर उत्तम क्या है उत्तम साधनों से उत्तम पुरुषार्थ के द्वारा धन कमाएं और उत्तम उत्तम कार्यों में उसको लगाएं राष्ट्र के निर्माण में समाज के निर्माण में और अपने निर्माण में धन का उपयोग करें यह इस वेद मंत्र का सार है यह हमारे जीवन का आधार है संसार का इसी से उपकार है इसी में हमारा और संसार का हर प्रकार से कल्याण है तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं ओ शांति शांति शांति